गर्वित आपकी आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो। क्या नहीं हो रहा है? गुड मॉर्निंग सर। सर आप ही सर। क्लास स्टार्ट करें। सर कल वाली क्लास में किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? सर वो कल वाले जो आपसे करवाए थे ना, उसमें नोटबुक में कैसे करना है वो समझ नहीं आया सर। अच्छा स्क्रीनशॉट में लिए हुए पर नोटबुक में नहीं हुए वो। बताते हैं। सर मेरे भी नहीं हुए। कौन से वाले? कल वाले वो तो बुक से देख के लिखने थे ना सर। वो कैसे लिखने पन? करते हैं कैसे? क्या आपके बुक में हेडिंग डालनी है अलग अलग, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, फिर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर दो तीन एग्जांपल लिख के करना था, जैसे बुक में लिखा है ना ऐसे बुक की तरह करना है आपको। ओके आज करते हैं एक्सरसाइज, मैं बुक देख रही हूँ। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन पहला, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर जिसका सम क्या होना चाहिए? -7। क्या होना चाहिए? -7 हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? -2 प्लस माइनस का 5, इन दोनों को ऐड करूँ, -7 आता है। एक मैं ऐसे लिख सकता हूँ 9 प्लस माइनस 2, सॉरी माइनस का 9 और प्लस का 2, माइनस का 7 आ गया। यस सर। सेकंड डिफरेंस कितना आना चाहिए? डिफरेंस इज -10। तो डिफरेंस -10 हो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? -5 प्लस माइनस का 5, -10 आ गया। यस सर। 15 माइनस का प्लस का 5, -10 आ गया। यस सर। प्लस माइनस का 2, ये क्या आ जाएगा? -10 आ जाएगा। यस सर। गुड, अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड है सम होना चाहिए क्या? 0। -5 प्लस 5 क्या हो गया? 0। -2 प्लस 2 0। -6 प्लस 6 0। ये आंसर राइट डाउन कर लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया कर लिया सर। ओके सेकंड क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स
नेगेटिव इंटीजर्स के पेयर्स लिखने, किसके नेगेटिव इंटीजर्स उनका डिफरेंस कितना होना चाहिए? 8। डिफरेंस कितना आना चाहिए? 8। तो क्या लिखूं मैं? -2 - -10। तो -2 + 10 कितना आ गया? 8 आ गया। आया 8? अरे समझ आया? यस सर। अगला क्या है? एक नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए और एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और आंसर क्या आना चाहिए? -5। सब तो सर ये बार बार मेरे को कोई निकाल रहा है। -10 कोई नहीं निकाल रहा है, आप खुद ही निकल रहे हो। -10 + 5 क्या आ गया? -5 आ गया। थर्ड क्वेश्चन देखिए, राइट अ नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर जिसका डिफरेंस -3 होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या लिखना है? नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर डिफरेंस होना चाहिए -3। तो देखिए किस तरीके से लिखेंगे, 7 अब कोई निकाल नहीं पाएगा। ओके चलिए अब करते हैं ये थर्ड वाला, राइट नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -3। तो एक रख देते हैं 7 - -10 इक्वल टू कितना आएगा? 7 - सॉरी 3 होगा सर। तो ये तो नहीं होगा, तो और क्या हो सकता है दूसरा पेयर इसमें? 3 ये हो सकता है -10 - -7 तो भी -3 नहीं आएगा। चलिए करते हैं, एक होना चाहिए क्या पॉजिटिव, एक होना चाहिए नेगेटिव। डिफरेंस आना चाहिए -3। आप बताइए ऐसा कोई पेयर? जल्दी बताइए क्लास,
क्या हो सकता है ऐसा पेयर? और माइनस सेवन एंड माइनस फोर। लेकिन एक प्लस का बताना है, एक माइनस का बताना है। बताइए जल्दी। सोचिए सोचिए। क्या लिख सकते हैं बताइए? देखिए माइनस थ्री। मैं बताता हूँ आप, मैं तो नहीं होता। माइनस टू माइनस का वन कितना हुआ? माइनस टू माइनस वन कितना हो गया? माइनस का थ्री हो गया। ये होगा इसका आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। लिया? ले लिया सर। नहीं सर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है? क्वेश्चन नंबर थ्री In a quiz has A is called minus 40, 10 or 0 और B है 10, 0 और minus 40। तीन सक्सेसिव थ्री सक्सेसिव राउंड के अंदर। तो देखो टोटल स्कोर ऑफ टीम ए, टीम ए का स्कोर कितना हो गया? माइनस का 40 माइनस 5 प्लस 10 जीरो। कितना आया? माइनस का 30। दूसरा टोटल स्कोर 30 कैसे होगा सर? माइनस का 40 है प्लस का 10 है तो माइनस का 30 नहीं बचेगा। यस सर। टोटल स्कोर ऑफ टीम बी प्लस जीरो माइनस 40 कितना आया? माइनस का 30। यस सर। दोनों के सर बराबर है। दोनों डिजिट सेम ही है, उल्टी उल्टी लिखी हुई है। हाँ, द स्कोर ऑफ बोथ टीम आर सेम। ठीक है। और ये पूछ रहे हैं क्या इसमें कोई इंटीजर ऐड कर सकते हैं? यस यस वी कैन ऐड। राइट आउट कर लीजिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। यस सर। अगला लास्ट सवाल है इस एक्सरसाइज का। फिल इन द ब्लैंक्स विद द मेक ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्या है आपको बनाने हैं इसके अंदर क्या पेयर? ओके तो देखो ये है माइनस फाइव प्लस माइनस का 8 इक्वल टू माइनस का 8 प्लस
ये x, मान लेते हैं खाली जगह में क्या आएगा x, तो इसकी वैल्यू बतानी है, तो वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, माइनस एट और माइनस फाइव कितने हुए, और ये माइनस माइनस का एट है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का एट हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस का ये प्लस का दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो जाएंगे, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का फाइव, ठीक है, यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी इसके अंदर यूज हुई है, देखो इसमें प्रॉपर्टी वो यूज हुई है कि a प्लस बी इक्वल टू क्या आना चाहिए, b प्लस a, ये कब होता था, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में, ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई इसमें, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ओके, कर लीजिए नोटबुक में आपके ऐसे कितने हैं सर, हाँ हाँ कर लिया, वो बुक में जिस तरह से वो फिल इन द ब्लैंक किए हुए वो वाले नहीं करने हैं, हाँ जैसे मैं करा रहा हूँ वैसा करना है आपको, ये हो गया पहला, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिया सर सेकंड, माइनस का 53 प्लस 0 इक्वल टू माइनस का 53, ये भी क्या होगा 0, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कोई भी इंटीजर के अंदर 0 ऐड करते हैं तो आंसर क्या आता है, वही सेम नंबर आता है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव, कौन सी, एडिटिव, एडिटिव आइडेंटिटी, थर्ड क्वेश्चन करते हैं, सेवनटीन प्लस माइनस का 17, तो 17 माइनस 17 कितना हो गया 0, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव इनवर्स है, कौन सी है, एडिटिव इनवर्स, यानी कि जब कोई नंबर के अंदर कोई नंबर ऐड किया जाए अगर सम 0 आता है तो वो क्या कहलाता है, एडिटिव इनवर्स, नेक्स्ट है 13 प्लस माइनस का 12, ये है ब्रैकेट, एंड प्लस माइनस का 7 माइनस 13 प्लस माइनस का 12, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है ना, यहाँ एक्स लिखना है आपको, 13 प्लस माइनस का 12 प्लस माइनस का 7, 13 में से 12 गया 1 प्लस एक्स इक्वल टू 13 और ये बच जाएगा माइनस का 19, ये कितना बचा माइनस का 6, एक्स इक्वल टू ये 1 इधर गया तो माइनस का 1, एक्स की वैल्यू आ गई माइनस 7, क्या आ गया, बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा, देखो वापिस से सर मुझे भी नहीं आया, वापिस से देखो, यहां पर ये क्वेश्चन लिखा था, इस क्वेश्चन में यहां पर क्या था x, क्या था x, तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी हमें, तो ये दोनों ऐड किया 13 में से 12 गया तो कितने बचे 1 बचा ना,
और इसी तरीके से ये 13 था। क्या आपकी आवाज ही नहीं आ रही है? अरे देखो अब आवाज आ रही है। हाँ सर। यस सर। ये था 13, ये था माइनस का 12, 13 में से 12 गया, 1 बचा। यस सर। आपने तो 19 लिखा। अरे 19 आगे है, ये 13 में से 12 गया, 1 बचा ना। अब प्लस एक्स, ये इधर देखो, ये 13 है, 13 ये भी माइनस का 12 था, ये माइनस का 7 था, यानी कि दोनों सेम सेम साइन के थे, इसलिए क्या हो गया, जुड़ेगा, क्या होगा, ऐड होगा। यहाँ पर साइन अलग अलग थे इसलिए डिफरेंस हुआ। एक्स की वैल्यू आ गई 13 में से 19 गया 6 माइनस का, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। ठीक है, x की वैल्यू आ गई माइनस 6, ये प्लस का 1 इधर आएगा तो माइनस का 1 बन जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई माइनस का 7। कौन सी प्रॉपर्टी इसके अंदर यूज हुई है? एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। कौन सी यूज हुई है? एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हो गया सर। लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का, फिफ्थ क्वेश्चन। माइनस का 4 प्लस 15 प्लस माइनस का 13 माइनस का 4 प्लस का 15 इक्वल, ये हो गया प्लस माइनस का 3। अच्छा यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स का, ये हो गया एक्स। सर आपने 4, सर आपने माइनस 4 प्लस 15 लिखा है। हाँ देखिए ये कैसे होगा, माइनस का 4 प्लस 15 में से 13 गया 2, ये 15 में से 4 गया 11 प्लस x, तो x की वैल्यू क्या आ गई, ये कितना बचा, माइनस का 2 और ये 11 है, इस साइड जाएगा माइनस का 11, x की वैल्यू हो गई माइनस का 13। ओके तो ये भी कौन सी प्रॉपर्टी लग गई इसमें, एसोसिएटिव, कौन सी एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। ओके इसको राइट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया। यस सर। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, आपको ये सारा होमवर्क कंप्लीट कर लेना है क्लास में। ए विठल थैंक यू क्लास।